मुख्यमंत्री और आपके आशीर्वाद से आपके बेटे आपके भाई भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का अपने गांव छबरी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं और अपने बेटे और अपने भाई को छबिली गांव से काफी ताई सारी वहां भी खड़ी है, यहां पर खड़े और पीछे भी खड़े हैं, हाथ उठा के अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दे दो। मुख्यमंत्री बनने के बाद छबिली की गांव की सी चौपाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, एक चीज कह रहे हैं भाषण देगा आप एमपी साहब। छबिली गाँव के काकाताओं सारे मात्र शक्ति खड़ी है, आपका राज आ रहा है, आपका राज बनेगा। संदीप रूप से आपका राज आ रहा है, आपका राज आएगा। आपको एक वचन देते हैं, जो 10 साल का जो कुशासन हुआ है ये आपके बेटे की तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे नौकरी की बात होगी चाहे विकास कार्यों की बात होगी छबिली गांव कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा। इस बात का हम आपको अवगत कराते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। आपकी बार आप हाथ उठा के ये आश्वस्त कर दो कि छबिली गांव से इस जगह मेरी से 100 पे 200 पर्ची कम दे दियो। दीपेंद्र जी ने जिता दो थारे काल में था रेट नहीं भाई दीपेंद्र की और अभी भाई दीपेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई पूरा गांव आश्वासन दे दो आशीर्वाद दे रहे हो भाई गांव से जीतता धन्यवाद। अभी मैं आपके बेटे से रिक्वेस्ट करूं भाई दीपेंद्र हुड्डा की जय भाई दीपेंद्र हुड्डा की जय भाई दीपेंद्र हुड्डा की जय। हमारे बीच में हमारे विधायक आपके सुखदुख के साथी मोदी बच्च जी हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मेरी माताएं मेरी बहनें हमारे भाई तेजवीर सैन जी जो हमारे रायगढ़ समाज के बहुत बड़े हमारे एक नेता हैं और हमारे मेरे साथी हैं और पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें आज गांव में पहुंचे। आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। आप चुनाव में किसी भी उम्मीदवार में दो ही चीजें होती है, उसका काम उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से मौका दिया था तो नजर को ऊपर लेके जाने के लिए अपने इलाके को में विकास कराने के लिए हर गांव में पूरे गजर में जो काम कराए थे वो भी आपको याद होंगे। चाहे रेल की लाइन हो चाहे उसका अस्पताल हो चाहे फोर लेन सड़कों की जाल हो चाहे पानी की समस्याओं का समाधान हो उस समय जो भी सारे काम किए थे वो भी आपको याद होंगे और मेरा आचरण भी बचपन लेकर आज तक आपके बीच में है। काम और आचरण की काफी मेरा भूल मिल जाएगा और आपकी आत्माएं गवाही दे कि आपका ये बेटा खराब करता है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ खुशहाली के रस्ते पे लेके जाने की लड़ाई है और ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपकी सरकार हरियाणा बनेगी और छबिली गांव के लिए जैसे कुलदीप जी ने कहा विकास कार्यों की बात हो रोजगार की बात हो छबिली गांव के लिए हम कोई कमी कसर नहीं रखेंगे। एक बार हाथ खड़ा करके आपने हमें आश्वासन दिया हो और बहुत बहुत सबका धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।